नमस्कार, मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर ज्योति अरोड़ा और हाजिर हूं इस खास प्रोग्राम के साथ गुड लक लाइफ, जिसमें मैं बताऊंगी आपको आपका साप्ताहिक भविष्यफल आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो आपकी राशि बनती है उससे। और ये जो भविष्यफल आधारित होगा टैरो कार्ड्स के जरिए, मेरे टैरो कार्ड्स एनर्जाइज्ड हैं आपको इस सप्ताह का भविष्यफल बताने के लिए। अपने जोडियक साइन चेक कीजिए और जानिए क्या है आपके इस सप्ताह का गुड लक एलिमेंट। चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ एरीज यानी कि मेष राशि। सबसे पहले मैं तीन कार्ड्स पुल करती हूँ एरीज राशि के लिए। तो जो पहला कार्ड निकल कर आया है वो है एम्परर का, जो कहता है किसी के दबाव में आप आ सकते हैं। ये कार्ड बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है कि आप अगर मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके पति का दबदबा आप पे बना रहे और बहुत ज़्यादा वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करें, जो आपको सफोकेट कर सकता है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा उनकी बात मानने के अलावा। ये कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि सरकार से जुड़े हुए मामले अगर आपके कोई हैं, आपके गवर्नमेंट बॉडीज से आपका कुछ लेना देना है, तो वो मामले आपके सुलझ जाएंगे। वहीं दूसरा कार्ड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का स्टूडेंट्स के लिए अच्छा संदेश देता है, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपके अच्छे ग्रेड्स आने की उम्मीद है। अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा, ये कार्ड इंडिकेशन देता है। वहीं तीसरा कार्ड निकल कर आता है टू ऑफ वॉन्ट्स का, जो बताता है आप जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, अपने काम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहे थे, या कहीं से आपको किसी चीज़ का इंतजार था, किसी परचेज ऑर्डर का इंतजार था, या कोई एलोकेट होने थे आपको, या कुछ भी इसी तरह की चीज़ जिसके लिए आपको वेट करना पड़ रहा था, उसमें आपको अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। चीज़ें होंगी ज़रूर, लेकिन अभी कुछ डिले के साथ ही उनका होना संभव होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए आपके लिए इस वीक का मैं ओरेकल एडवाइस कार्ड निकालती हूँ। तो आपका कार्ड निकल कर आया है क्वाइट टाइम, यानी कि इस सप्ताह अपने लिए शांति से बैठिए, एक अपने लिए पूरे दिन की जद्दोजहद चलती रहेगी, उसमें आप एक क्वाइट टाइम, शांति भरा समय निकालिए और एकदम शांत बैठकर मेडिटेट कीजिए। ये कार्ड ये कहता है कि अगर ज़िंदगी में चीज़ें वेटिंग का पीरियड चल रहा है तो भी एक क्वाइट टाइम है, लेकिन ये क्वाइट टाइम आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने में आपको प्रेरित कर सकता है। आप उस टाइम को यूज़ कीजिए अपनी प्लानिंग के लिए और एकदम अपने आप को, चित्त को शांत करने के लिए। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं। तो अगली राशि है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए मैं तीन कार्ड्स निकालती हूँ। टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए जो कार्ड्स निकल कर आते हैं उनमें मैं कार्ड्स को रीड करती हूँ। टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड्स थोड़े से वार्निंग वाले निकल कर आए हैं। ये सप्ताह लो प्रोफाइल मेंटेन करने का होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। इस सप्ताह किसी से उलझना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहला कार्ड निकल कर आता है सेवन ऑफ सोर्ड्स का, जो कहता है कि अपने सामान की, अपनी वैल्यूएबल्स की आपको रखनी होगी ज़्यादा निगरानी, क्योंकि किसी सामान के खो जाने या चोरी हो जाने का संदेह नज़र आता है। ऐसे में मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब ऐसा लगे कि बर्गलरी स्टार एक्टिव हो रहा है या वायलेंस स्टार एक्टिव हो रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ चैरिटी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फंड्स आपके बाहर जाने वाले हैं, कुछ लॉस इंडिकेटेड है। लेकिन अगर आप चैरिटी करेंगे तो वही आपके फंड्स तो बाहर जाएंगे, लेकिन वो एक गुड कर्मा में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसका आपको सुफल अवश्य मिलेगा। वहीं दूसरा कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स का कहता है कि कोई ऐसी काम की शुरुआत आप कर सकते हैं जिसमें आपको अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को यूज़ करने का मौका मिले। अगर आप कुछ ऐसा काम शुरू करना चाह रहे हैं जिसमें आपको किसी को कंसल्टेशन देना है या अपनी खुद के एक्सपर्टीज शेयर करने हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए इस सप्ताह शुरुआत करने के लिए। वहीं तीसरा कार्ड फाइव ऑफ वांड्स का कहता है कि वर्क प्लेस पर अभी आपको उलझना पड़ सकता है लोगों से। देखिए इस सप्ताह आपकी जो भी डिस्कशंस होती हैं, अगर आपको किसी को कन्विंस करना पड़ता है, अपने व्यू पॉइंट को दूसरे के सामने रखना पड़ता है, तो वो आप रखिए, लेकिन जहाँ पर लगे कि जो बातचीत है वो किसी ना किसी द्वंद का रूप ले रही है या मतलब किसी तरह की बहस में परिवर्तित हो रही है, तो आपको उसी समय विड्रॉ कर देना चाहिए, अन्यथा आपका काफ़ी रेपुटेशन स्टेक पर आ सकता है। ये कार्ड मुझे बहुत क्लियर इंडिकेशन देते हैं। चलिए आपका इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड मैं निकालती हूँ। तो ब्रेकिंग फ्री यानी कि ट्रेडिशनल मैथड से अगर आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं या आप ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो अब ब्रेक फ्री करने का टाइम आ गया है। ये कार्ड बहुत ही अच्छा इंडिकेशन देता है कि ट्रेडिशनल मेथड से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का समय अब आ गया है। चलिए अब रुक करते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। पहला कार्ड ये रहा, दूसरा
ये तीसरा, तो पहला कार्ड निकल कर आता है जस्टिस का, जो ये बताता है कि अगर लीगल मैटर है, अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें कि कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो वो आपके फेवर में जाएगा। अगर आपको किसी कंपटीशन में आंका जा रहा है, किसी आंका नहीं मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी कंपटीशन में आपको किसी के अगेंस्ट इवेल्युएट किया जा रहा है, तो वो आपके फेवर में जाएगा, आपके आपके बाहर निकलने के पॉजिटिव वे में निकलने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। वहीं दूसरा कार्ड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का बोलता है कि स्टडी फ्लो ऑफ इनकम बना रहेगा, आपका इस सप्ताह अच्छी इनकम रहेगी, आप बिल्कुल भी निराश मत हो। वहीं तीसरा कार्ड एम्प्रेस का बताता है कि परिवार से जुड़ी हुई हर चीज़ बड़ी अच्छी रहेगी, परिवार में बहुत खुशियाँ रहेंगी, लव जॉय अबंडेंस हैप्पीनेस एवरीथिंग आप जो सोच सकते हैं आपके घर में बना रहेगा। ये कार्ड इंडिकेशन देता है, थोड़ा बढ़ते हुए वजन से थोड़े सावधान रहिए, ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंडिकेशन देता है इस तरह की। जब भी ये कार्ड निकल कर आता है, मुझे ये वार्निंग देने की होती है कि अब आप थोड़ा सा अपने वेट को कंट्रोल करके चलिए, वरना थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको। चलिए आपका इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड मैं निकालती हूँ। तो आपका कार्ड निकल कर आता है ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जेमिनाइंस वैसे काफ़ी इंट्यूटिव माने जाते हैं, लेकिन ये कार्ड आपकी इंट्यूशन को हाई पीक पर देता है। ये कार्ड ये इंडिकेशन देता है कि अब आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, इन क्लैरवॉइंट एनफ वाली स्थिति बता रही हूँ, तो आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कर सकते हैं। जो भी आपकी इंट्यूटिव पावर्स आपको गाइड करें, आप उस पर भरोसा कीजिए और उसी हिसाब से अपने स्टेप्स आप प्लान कीजिए। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं। तो अगली राशि है कैंसर, यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए तीन कार्ड्स मैं ड्रॉ करती हूँ, ये तीन कार्ड्स कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि का जो सबसे पहला कार्ड है वो है रेस्टलेस एनर्जीज का। आप रेस्टलेस हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं अपने खुद। देखिए, ये परेशानी एक्चुअली में कहीं ना कहीं फाइनेंसिस से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपकी जो है कैश आउट की सिचुएशन आ सकती है। तो आपको इस सप्ताह जो भी कुछ करें, ये तो आपको ध्यान रखना है कि इस सप्ताह आपको फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी है। फिजूल खर्ची आप करेंगे तो टोटल कैशलेस हो जाएंगे। और रेस्टलेस एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए आप जितना हो सके, अगर आप जेड क्रिस्टल पहन सकते हैं तो जेड क्रिस्टल पहनिए। जेड क्रिस्टल ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, इस तरह का जैसा क्रिस्टल मैं अक्सर पहनती हूँ, ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। ग्रीन कलर का क्रिस्टल काफ़ी लकी माना जाता है रेस्टलेस एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए, और आपके बुध ग्रह को शांत करता है, जिससे कि आपकी रेस्टलेस एनर्जी कंट्रोल हो जाती है। वहीं दूसरा कार्ड निकल कर आता है द चैरियट का, जो बताता है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो निश्चित ही विजयश्री आपको ही मिलेगी। वाहन खरीदने का योग भी बताता है, अगर आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे तो ये कार्ड आपको देता है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सपोर्ट। वहीं तीसरा कार्ड किंग ऑफ हार्ट्स का आपकी सेंसिटिविटी को दिखाता है। ये वीक आपके लिए इमोशनल मूड स्विंग्स का हो सकता है, आप काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं अपने पर्सनल मामलों को लेकर। आप जरा जरा सी बात पर हो सकता है कि आप इमोशनल एनफ हो कि आपके आंसू ही निकल आए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में अपने आप को कंट्रोल करने के लिए आप क्रिस्टल्स का सहारा ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया जेड का क्रिस्टल। साथ ही साथ अगर आपकी इमोशनल अपसर्जेस ज़्यादा हो रहे हैं तो आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन के रखिए, उससे आपको मिलेगा काफ़ी सपोर्ट। और आपके लिए इस वीक का और कल एडवाइस कार्ड मैं निकालती हूँ। तो आपका कार्ड निकल कर आया है कि जैसी भी समस्या है, जैसी भी प्रॉब्लम्स हैं, इस वीक हैप्पीली एवर आफ्टर का कार्ड है, यानी कि आपको भगवान साथ देगा और आपकी सारी चीज़ें बहुत ही खुशी खुशी निपट जाएंगी। कार्ड भी बोलता है कि आपकी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जाने वाला है और ईश्वर का आपके ऊपर हाथ है। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं, अब बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए मैं तीन कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। तो सिंह राशि के लिए जो पहला कार्ड निकल कर आता है द मून का कार्ड निकल कर आता है, जिसका मतलब है ऑल इज़ नॉट एज इट सीम्स, यानी कि जो दिखता है वो असली में वैसा नहीं है। ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि अपनी आंखें खुली रखिए और अपने इंद्रियों को अपने वश में कर देखिए आसपास की सिचुएशन क्या है। ये कार्ड इंडिकेशन देता है लोगों पर अंधा विश्वास ना करें, क्योंकि आपके विश्वास के तले मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअली में आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर बिना किसी का सहारा लिए अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप खुद पे भरोसा रखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। महिलाओं के लिए खास करके मैं बताऊँगी, ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपको हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। वहीं दूसरा कार्ड प्रिंसेस ऑफ वांड्स का ये बताता है वर्क रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कोई परचेज ऑर्डर आ सकता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर आपको इशू हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। ये कार्ड इंडिकेशन देता है
है कि वर्क प्लेस पर कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तीसरा कार्ड निकल कर आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कहता है कि कोई ऐसी खबर आ सकती है किसी पर्सनल मैटर को लेकर जो आपको अपसेट कर सकती है, आपको स्ट्रेसफुल एनर्जीज दे सकती है। ऐसे में आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेहत को लेकर ये कार्ड बहुत ज़्यादा आपको वार्निंग देने के लिए मुझे कहता है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, रात को आपको जगना नहीं है। हो सके तो अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है पर्सनल लाइफ का, तो उसे पोस्टपोन कीजिए, क्योंकि ये फेवरेबल टाइम नहीं होगा पर्सनल डिसीजंस लेने का। चलिए आपके लिए इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड मैं निकालती हूँ। आपका इनर चाइल्ड कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आप ज़िंदगी में जितने मर्जी मैच्योर हो जाएं, जितने मर्जी आप प्रैक्टिकल हो जाएं, लेकिन आपका जो इनर चाइल्ड है उसे मत मरने दीजिए। और अपनी जो बचपन है जैसी आदतें आपकी खुद की हैं, जैसे आपको म्यूज़िक पर टैप करना अच्छा लगता है, या आपको डांस करना अच्छा लगता है, या आप बच्चों की तरह हंसना अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ें आप करते रहिए, क्योंकि इनर चाइल्ड जब तक आपका जीवित है तब तक आप बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन की किसी भी उतार चढ़ाव को हैंडल करने की क्षमता रख पाएंगे। चलिए अब अगली राशि का हम रुख करते हैं, वर्गों की बात करते हैं। वर्गों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। वर्गों के लिए जो सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है वो आया है द स्टार का। द स्टार का कार्ड सबसे खूबसूरत कार्ड होता है इस डेक का, जो कि काफ़ी उम्मीद देता है, काफ़ी होप्स देता है। ये कहता है कि आपकी काफ़ी ऐसी चीज़ें जिससे आप नाउम्मीद हो गए थे वो पूरी होने की संभावना है। कोई एक विश फुलफिलमेंट की तरफ आपको ले जाता है ये कार्ड। ये कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि आप किसी से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं, और हो सकता है कि काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करें जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप रिलीजियस हैं और आप काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ये सप्ताह आपको बहुत ही पॉजिटिव आउटकम देता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दूसरा कार्ड हाई प्रिस्टेस का कहता है कि आपका कोई एक सीक्रेट जो काफ़ी समय से आपने अपने दिल में रखा हुआ था वो आउट हो सकता है, तो बी केयरफुल कि आप किससे शेयर कर रहे हैं अपने दिल की बात। तीसरा कार्ड निकल कर आता है 4 ऑफ हार्ट्स का, जो ये कहता है कि आप अपनी करंट परिस्थिति को लेकर थोड़े से अगर निराश हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए और अपने एनर्जीज़ को फिर से कंजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे चैनलाइज़ कीजिए प्रॉपर तरीके से, ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से बाउंस बैक कर सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी कंपैरिजन मोड में जा सकते हैं, खास करके अपने रिश्तों को लेकर, कि आपको लगे कि आपके पार्टनर का आपके प्रति डेडिकेशन थोड़ा अच्छा नहीं है, दूसरों को देखो कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। इस तरह के कंपैरिजन मोड में अगर आप आएंगे तो आपके रिश्तों में होगी ही परेशानी। आपके दोस्त हो सकता है कि आपको इग्नोर करें, तो इस वजह से आपके अंदर ये फीलिंग इग्नाइट हो जाए, ये संभावनाएँ हो सकती हैं। चलिए आपके लिए इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड मैं निकालती हूँ। तो आपका कार्ड निकल कर आता है पीस ऑफ माइंड, यानी कि इस सप्ताह जो भी आप करें, अगर आपको मेडिटेट भी करना है तो अपने पीस ऑफ माइंड को ऊपर रखते हुए करिए, क्योंकि ये सप्ताह जितना हो सके शांति का दान देने के लिए अच्छा होगा। अब करते हैं अगली राशि का रुख। अगली राशि है लिब्रा, यानी कि तुला राशि। तो तुला राशि के लिए 3 कार्ड्स हम ड्रॉ करते हैं। तुला राशि के लिए जो पहला कार्ड निकल कर आया है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, जो ये बताता है कि इस पूरे सप्ताह में फंड्स जनरेट होंगे, लेकिन साथ ही साथ स्पेंड भी होंगे, मनी कमिंग इन एंड गोइंग आउट, ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके मूड स्विंग्स काफ़ी हो सकते हैं, कभी आप खुशी फील कर सकते हैं, कभी आप इरिटेटेड फील कर सकते हैं। वहीं दूसरा कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स का आपको नेचर से जोड़ता है, आपका प्रकृति के प्रति लगाव बढ़ता है और आप मदर अर्थ के लिए कुछ करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहेंगे। ये कार्ड बहुत इंडिकेशन देता है कि आपकी जो सामाजिक स्थिति है वो सुधरने के चांसेस हैं, और अगर आप कोई चीज़ अकेले करते हैं, कोई अकेले ही किसी बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट में आप अकेले लगे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये टीम वर्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट वर्किंग को सपोर्ट करता है कार्ड, और ये कार्ड ये कहता है इंडिपेंडेंट वर्किंग में आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं तीसरा कार्ड लव रिलेशनशिप्स के लिए काफ़ी अच्छा है। प्रिंस ऑफ हार्ट्स का कार्ड ये कहता है कि आपको मौका मिलेगा अपने लव्ड वन के साथ समय बिताने का, और ये आपकी रोमांटिक मीटिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। ये कार्ड आपको अपने प्रियवर से जोड़ता है, और लव रिलेशनशिप के साथ साथ जो मैरिड लाइफ है उसमें भी काफ़ी खुशियां लेकर आता है। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन देता है रिलेशनशिप्स के मामले में। चलिए आपके लिए ओरेकल एडवाइस कार्ड निकालती हूँ। तो आपका कार्ड क्या निकल कर आया है, ऑनरिंग योर ट्रू फीलिंग का मतलब हुआ कि आप अपने दिल की सही बात को आप रिस्पेक्ट करना शुरू करें, उन्हें पहचानें और उन्हें एक्सेप्ट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं, हमारा दिल कुछ कह रहा होता है, लेकिन हम सामाजिक दायरे
पैरों में रहकर उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम बोलते हैं नहीं, ये लीक से हटकर है तो हमें इसे नहीं माना, लेकिन हम जब तक अपने दिल की जो हाईएस्ट फीलिंग है उसको नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, उसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तब तक हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ सकते। तो ये है इस कार्ड का मतलब। चलिए अब रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि के लिए तीन कार्ड्स मैंने निकाले, तो जो वृश्चिक राशि के कार्ड्स निकल कर आए हैं, सबसे पहला कार्ड स्ट्रेंथ का, यानी कि अब आपका मनोबल काफ़ी पीक पर है, अब आप निर्भय और निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, आपके अंदर जो आत्मबल कूट कूट के भरा हुआ है। वहीं द डेविल का कार्ड ये बताता है कि मैरिज अगर फाइनलाइज करने के बारे में आप सोच रहे थे तो ये टाइम है शादी फिक्स होने का, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम। ये कार्ड इंडिकेशन ये भी देता है अगर आप वर्क प्लेस पर के बारे में बात करें तो आपके ऑफिस में हो सकता है कोई भयंकर पॉलिटिक्स हो रहा है जिसके शिकार आप हो सकते हैं। वहीं तीसरा कार्ड द वर्ल्ड का बताता है फ्रेंडशिप के लिए काफ़ी अच्छा समय है। ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपके जीवन का एक अध्याय खत्म होता है तो दूसरे की शुरुआत होती है। ये बहुत ही पॉजिटिव कंप्लीशन का कार्ड है, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या कोई इंपॉर्टेंट काम आपका कंप्लीट होगा और नए की शुरुआत उसी के साथ साथ हो जाएगी। चलिए आपके लिए इस सप्ताह के लिए ओरेकल एडवाइस कार्ड में निकालती हूँ। तो आपका कार्ड निकल कर आता है न्यू लोकेशन, यानी कि अगर आप रिसेंटली न्यू लोकेशन पे मूव करें हैं तो बहुत अच्छा है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको अगर न्यू लोकेशन पे मूव करने का मौका मिले तो आप उसे एक्सेप्ट करें, और अगर आप नहीं मूव करें हैं तो आप अपने घर के फर्नीचर को ही इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि सोफों की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए या अपने बेड की डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। अगर नहीं भी कर सकते तो थोड़े समय के लिए उसको थोड़ा सा मूव करके वापस उसी जगह पर लगभग एक घंटे की गैप पर आप रखते हैं तो न्यू लोकेशन की एनर्जी आपको मिलती है। ये न्यू लोकेशन की एनर्जी आपको इस समय चाहिए और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। फेंगशुई में ऐसा बहुत किया जाता है जिससे हम एनर्जीज़ को रोटेट करने के लिए, एनर्जीज़ को मूविंग एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए फर्नीचर भी मूवमेंट्स करते हैं। चलिए अब अगली राशि की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए ये तीन कार्ड्स मैं निकालती हूँ। सैजिटेरियस के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, देखिए सबसे पहला कार्ड तो वार्निंग देता है कि आपकी हेल्थ थोड़ी ख़राब रह सकती है। ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपकी हेल्थ थोड़ा सफ़र कर सकती है या हो सकता है आपसे रिलेटेड कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी हेल्थ काफ़ी सफ़र करे। ये कार्ड मुझे बोलता है कि आपको डॉक्टर विजिट पर जाना पड़ सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। वहीं दूसरा कार्ड फोर ऑफ पेंटिकल्स का ये बताता है कि आप अपने पुराने बैगेजेस कैरी कर रहे हैं, लोगों से रिश्ता तोड़ना तो आपके बस का है नहीं, क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि कुछ ऐसे आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे जिन्होंने आपको व्यथित किया, आप स्टिल उनकी यादों को कैरी कर रहे हैं, उन बातों को दिल से लगा के बैठे हैं और ये आपके नेचर में शामिल है। सैजिटेरियंस के लिए भी रिश्तों को तोड़ना आसान नहीं होता। ये कार्ड ये इंडिकेशन देता है कि फाइनेंशियली आपका एक अच्छा पीरियड अभी भी कायम रहेगा, आपको फाइनेंसिस के मामले में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरा कार्ड द हर्मिट का ये बताता है कि आप अपने अंदर अपने अंतरात्मा से काफ़ी प्रश्न कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि आपका जो इनर सेल्फ है वो आपके लिए आपके जवाबों को तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आपके लिए इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड मैं निकालती हूँ। आपका कार्ड निकल कर आता है इंटेग्रिटी, यानी कि ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने एक्शंस को देखिए और देखिए कि क्या वो आपकी इंटेग्रिटी से मैच करते हैं, यानी कि आप अपने संस्कारों और अपने खुद की जो तय किए गए नियम हैं आप उनके विरुद्ध तो नहीं जा रहे, यानी कि आपकी इंटेग्रिटी इस सप्ताह आपको मेंटेन करके रखनी है अगर आप चाहते हैं कि ये वीक आपको अच्छे रिजल्ट्स। अब अगली राशि का रुख करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए मैं तीन कार्ड्स निकालती हूँ। कैप्रिकॉर्न के लिए जो पहला कार्ड निकल कर आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल का, जो बताता है फाइनेंशियल वेलबींग की शुरुआत हो सकती है, किसी नए काम की शुरुआत अगर आप करना चाहते थे तो उसकी आपको फ्यूचर में अच्छी रिटर्न मिलेगी। वहीं दूसरा कार्ड सेवन ऑफ वॉन्ड्स का ये बताता है कि मार्केट सिचुएशंस हो सकता है आपके लिए डिस्टर्बिंग हो, लेकिन आप बहुत ही अच्छे तरीके से उनका सामना कर सकते हैं और विजयश्री की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि मार्केट फ्लक्चुएशंस के बावजूद भी आप अपने आप को ठीक से एस्टेब्लिश कर पाएंगे अपने वर्क प्लेस पर। वहीं तीसरा कार्ड बोलता है कि छोटी छोटी बातों में इंपल्सिव होना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, कुछ छोटी मोटी ट्रबल आ सकती है, विच विल कम टू गो। और आपके लिए इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड मैं निकालती हूँ। निकल कर आता है डिटॉक्सिफिकेशन। इस सप्ताह डिटॉक्सिफिकेशन का समय है, यानी जितना हो सके कैमोमाइल ग्रीन टी पीजिए और हो सके तो आप सॉल्ट वाटर बाथ पी लीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए अब अगली राशि का हम रुख करते हैं। अब बात है एक्वेरियस राशि वालों।
एक्वेरियस के लिए चलिए ये तीन कार्ड्स मैंने ड्रॉ किए। तो पहला कार्ड जो है मुझे कहता है कि ये सप्ताह आप काफ़ी फेमस रहेंगे, लोग आपकी काफ़ी तारीफ करेंगे और आप रहेंगे लाइमलाइट में, आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छा बना रहेगा। वहीं दूसरा कार्ड सेवन ऑफ पेंटिकल्स में बताता है कि आपके वर्क प्लेस पर मार्केट सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि कुछ स्लो डाउन हो, इस समय हो सकता है कि पैसा ठीक से जनरेट ना हो, थोड़ा सा डिलेज हो सकते हैं, ऐसी कुछ इंडिकेशन निकल कर आती है इस सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। वहीं तीसरा कार्ड लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है और हो सकता है आपके जीवन में एक नया रिश्ता आपसे जुड़ जाए। आप अगर सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में किस संबंध स्पेशल की एंट्री हो सकती है। चलिए आपके लिए इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड ये रहा। आपका निकल कर आता है ब्यूटी, यानी कि इस सप्ताह अपनी ब्यूटी पर फोकस कीजिए, अपनी अपीयरेंसेस पर ध्यान दीजिए, वीक आपके लिए काफ़ी गुड लक वाला है। अब है आखिरी राशि की बारी, तो चलिए पाइसेस यानी कि मीन राशि की बात करते हैं। आपके लिए जो तीन कार्ड्स निकल कर आए हैं वो ये रहे। तो पहला कार्ड देता है आपको थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड ट्रबल, मुझे ऐसा लगता है कुछ हेडेक या माइग्रेन इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको किसी भी समय रही है तो वो इग्नाइट हो सकती है। तो रात को जगना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, रात के समय आप अपनी नींद पूरी लीजिए और किसी भी चीज़ की चिंता अपने दिल से मत लगाएं। वहीं दूसरा कार्ड थ्री ऑफ पेंटिकल्स का बताता है वर्क प्लेस पर आप अपने टैलेंट से अपना सिक्का जमा लेंगे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं जिसमें आप अपने टैलेंट को, अपनी कॉम्पिटेंस को यूज़ करते हैं तो आपका काम काफ़ी अच्छा चलेगा। तीर्थ यात्रा पर जाने का योग बनता है इस कार्ड के अनुसार। तीसरा कार्ड निकल कर आता है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कहता है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और हो सके तो आप दूसरे की बात सुनिए कहने से पहले, बी ए गुड लिसनर। चलिए इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड निकालती हूँ आप लोगों के लिए। तो कार्ड निकल कर आया है एनचेंटमेंट, यानी कि पॉजिटिव बातों की एनचेंटमेंट करनी चाहिए। कुछ ऐसा अपने लिए एनचेंटमेंट बना लीजिए कि दिस इज़ अ फाइन डे एंड आई एम अ गुड चाइल्ड। अगर आप ये इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए लेके चलेंगे तो दिन बहुत अच्छा है और मैं एक बहुत ही अच्छा बालक हूँ। तो बालक में बहुत इनोसेंस होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती है। इस तरह का अपने लिए एनचेंटमेंट बनाइए और सुबह शाम आप इस एनचेंटमेंट को बोलिए, या फिर जो भी अगर आपके जीवन में कुछ बुरी बातें रही हों जिस वजह से आप बहुत परेशान रहे हो बुरे लोगों की वजह से, तो आप ये बना सकते हैं आई लेट गो एंड रिलीज ऑल दैट डजंट सॉल्व माई हायर पर्पज़। इस तरह का कुछ एनचेंटमेंट आप बनाइए और देखिएगा कि आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये था सभी राशियों का टैरो कार्ड से भविष्य पर। चलिए अब आते हैं एलिमेंट ऑफ द वीक की तरफ। तो एलिमेंट ऑफ द वीक है मेटल। तो मेटल एनर्जी को अपने जीवन में एक्टिवेट करने के लिए आपको यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मेटालिक शेड, सिल्वर, गोल्ड या फिर कोई भी मेटालिक शेड। और आपके लिए जो कलर ऑफ द वीक है वो है वाइट, और हो सके तो कुछ मेटल अपने पास कैरी कीजिए। अगर आप बेल आप कैरी करेंगे तो अगर आप बेल को बचा भी देंगे तो मेटल एनर्जी आपके लिए एक्टिवेट होगी। तो इसी स्पेशल टिप के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।